पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी उनके परिवार द्वारा, और ये बात केवल चर्चा तक नहीं थी, उनके परिवार के लोगों ने माननीय न्यायालय में भी इस बात को कहा कि उनको सिलो पॉइजन दिया जा रहा है। और लगातार उनका परिवार इस प्रयास में था कि उनका बेहतर इलाज हो सके, लेकिन आप सोचिए और कल्पना करिए, सीधे आईसीयू से ले जाके जेल में वापस कर देना बिना किसी मरीज को स्वस्थ हुए, तो सरकार की नीयत में तो शंका ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को किया जा रहा है। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। लोग कहीं सुरक्षित नहीं हैं, ना सड़कों पर सुरक्षित हैं, ना अपने घरों में सुरक्षित हैं। जेल को लोग सुरक्षित स्थान मानते थे, अब जेलों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। पता नहीं सरकार किसकी कब कहाँ हत्या करा दे, किसको जहर दिला दे, अब इस बात को कहना मुश्किल है। मुख्तार अंसारी का आप इतिहास जानते होंगे, उनके आपराधिक इतिहास रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी द्वारा ट्वीट करके उनके दुख जाहिर किया है। देखिए, जहाँ तक किसी भी व्यक्ति का आपराधिक अगर कोई इतिहास है, कोई केस है, मुकदमे हैं, उस सभी चीज़ों के लिए हमारे संविधान में व्यवस्था है माननीय न्यायालय की। और माननीय न्यायालय का फैसला देश के सरकार के लिए, देश के हर नागरिक के लिए स्वीकार है और स्वीकार हुआ है। लेकिन किसी भी सरकार को यह हक और अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति की जान ले सके। वे अगर दोषी हैं तो कानून में प्रावधान है उन दोषों के। दुनिया में जितने तरीके के अपराध हैं, हर अपराध का सजा कानून में उसके प्रावधान है, न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए था कि सरकार ही लगी अकेले किसी की भी हत्या करा देगी, किसी को भी जहर दे देगी, किसी को भी कहीं भी मरवा देगी। क्या ये काम सरकार का है? सरकार का काम है हर व्यक्ति की सुरक्षा करना और न्यायालय के फैसले का पालन करना। परिवार कह रहा है कि इसमें अंसारी जी की मौत पे षड्यंत्र रचा गया, उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी क्या ऐसी संभावना जताती है, क्या ऐसा भी हो रहा है कस्टोडियल में? देखिए, कुछ भी हो सकता है। सरकार क्या करेगी इस बात का, अब आप किसी भी बात को ये ना मानिए कि सरकार ये नहीं कर सकती है। क्या कस्टोडियल रहते हुए, कस्टडी में रहते हुए हत्याएं नहीं हुई इसी प्रदेश के अंदर? क्या जेल के अंदर हत्याएं नहीं हुई इसी प्रदेश के अंदर? और ये जो कोई नई घटना नहीं है, उनको जो बीमार थे या नहीं थे या क्या था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन पिछले कई दिनों से क्या ये बात बाहर नहीं आ रही थी? उनकी एक चिट्ठी भी पुरानी वायरल हो रही है, उन्होंने आशंका जताई थी कि उनकी मौत हो सकती है और इसमें कुछ लोग बिल्कुल। और अगर कोई बात ना होती, कोई जानकारी पुख्ता ना होती, तो इस तरह की चीज़ें हैं, मैं नहीं समझता कोई जेल में रह के इन बातों को स्टंट करेगा अपने जीवन को लेकर। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में मुख्तार अंसारी का खबर और धारा 144 कैसे देखिए? देखिए, लोकसभा चुनाव तो ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही है, घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस तरह की घटनाओं के लेकर चिंतित हैं और लगातार सरकार से कह रहे हैं, और आज भी उन्होंने यही कहा कि सरकार की पहली जिम्मेदारी हर व्यक्ति की सुरक्षा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल है। उत्तर प्रदेश की सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून के जितने प्रावधान, उन प्रावधानों में जो हक हैं सरकार चलाने के, वो हक पूरी तरह से खो चुके हैं।